उल्टा चेयर ये पाव भाजी है ना आपको मुंबई में कहीं नहीं देखेंगे। आज का डेजर्ट मेरी तरह अब तो मुंबई यार मुंबई में बताऊंगा क्या है। एंड वो आइसक्रीम का नाम क्या है वो अंदर जाके पता चलेगा वो सीक्रेट। सो हेलो एवरीवन दिस इज यश पांजल हियर एंड यू आर वाचिंग यश पांजल व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग अगेन। तो फिलहाल तो हूँ मैं अभी डोंबिवली में बिकॉज मेरी एक दोस्त है उसने बोला था तू डोंबिवली आके देख तो जी ऐसे ऐसे फूड ट्राई कराऊंगे ना जो तूने आज तक कभी देखा नहीं। और उसने मुझे एक और चीज़ बोली थी मुंबई से बेटर फूड डोंबिवली में तो वही ट्राई करने के लिए अभी हम लोग आ चुके हैं डोंबिवली एंड मैं मेरे आपके फ्रेंड से मिलाता हूँ। तो या वेलकम वेलकम कैसा लग रहा है फिर मेरे ब्लॉग में आके आपको अच्छा लग रहा है गेस्ट अपीयरेंस देखे और बता के कि डोंबिवली का फूड बेटर है। कम ऑन मैन ओके तो उसके लिए हम लोग ट्राई तो करेंगे डोंबिवली का फूड एंड ये है मेरे ऑफिस के दोस्त हम लोग ने बहुत ऐसे कम बार ब्लॉग लिए एक दो बार किया रहेगा ना रिसेंटली बट अभी तक मैंने कोई पब्लिक नहीं किया एंड ये वीडियो पब्लिक होगा बिकॉज यहाँ शान लगी है मुंबई की एंड यहाँ शान लगी है डोंबिवली की। तो चलिए ये ब्लॉग शुरू करते हैं फिर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले अभी हम लोग जो डिश ट्राई करने वाले वो है उल्टा वड़ा पाव। क्या है इसमें स्पेशल जरा आप हमें बता पाएंगे। सो पाव और ब्रेड दोनों के ऊपर वड़ा का बैटर जैसा जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है उल्टा वड़ा पाव अभी हम लोग वो ट्राई करेंगे बहुत ऐसे कम जगहों में मिलता है ये उल्टा वड़ा पाव। तो चलिए ट्राई करते हैं आपको बता दें वो कैसा है उल्टा वड़ा पाव। चलो फिर ट्राई करते हैं उल्टा चेयर उल्टा चेयर। बहुत बड़ा है यार एक्चुअल में उल्टा वड़ा पाव इतना ही बड़ा होता है कि क्या अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। ये हम खा रहे पहला बाइट ये उल्टा वड़ा पाव बहुत बढ़िया यार डोंबिवली में ऐसे ऐसी चीजें मिलते हैं मालूम नहीं था। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा कैसा है टूटा वड़ा पाव इसकी खासियत आप बता देंगे अच्छा होगा ऑडियंस के लिए। इसमें बेसिकली पाव के अंदर पूरा बटाटे का वड़ा का स्टफिंग डालते हैं ओके और बेसन के अंदर पूरा वड़ा पाव का डालते हैं इसके लिए उसको उल्टा बोलते हैं ओके ओके। सो जो दूसरी डिश ट्राई करने वाले वो है सोया चिली राइट बराबर गेस सोया चिली। तो ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था मुझे लगा कुछ यूनिक सा रहेगा एक अच्छे से रेस्टोरेंट में रहेगा बट एक प्रॉपर ऐसा स्ट्रीट फूड है जो अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं सोया चिली। तो आपको बता दो खा के कैसा है वो लेट्स गो। सो हम लोग ये ट्राई करके बता दें आपको एक कैसा है एंड ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मैंने कभी ऐसा सोया चिली नहीं। सुपर है सच में जो वेजिटेरियन है ना जो नॉनवेज नहीं खाते ये लोग ज़रूर खाएंगे बिकॉज ये सुपर है एंड यहाँ जो सूप है ना उसका टेस्ट भी अलग है एंड ये थोड़ा सा स्पाइसी है अगर मैं दूसरा को लेंगे ट्राई करने को चलो एज अ वेजिटेरियन मेरे लिए बहुत अच्छा है एंड ये बहुत बार आ चुके हैं यहाँ एंड इसका ये फेवरेट डिश हो चुका। ओके सो जो हम लोग थर्ड डिश जो ट्राई करने वाले हैं यहाँ की जो फेमस पाव भाजी एंड ये जो पाव भाजी है ना मुझे रिकमेंड की है इसने अमूल की पाव भाजी हैंड्स डाउन बेस्ट पाव भाजी है मैंने आज तक ट्राई किया और आई थिंक यश को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा।
मेरे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है बिकॉज इसने मुझे बोला है कि यहाँ ये पाव भाजी है ना आपको मुंबई में कहीं नहीं देखेंगे, ये जो पाव भाजी है वन ऑफ द बेस्ट पाव भाजी है, तो हम लोग ट्राई करेंगे ना आपको बताएंगे ये पाव भाजी कैसे, अगर ये पाव भाजी अच्छी नहीं तो मुझे आप क्या दें? आज का डेजर्ट मेरी तरफ, डेजर्ट उसकी तरफ से। तो चलो ये ब्लॉग शुरू करते हैं, मतलब ये वीडियो, ये पाव भाजी ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं ये पाव भाजी कैसा है। ये है यहाँ का फेमस मेन्यू, व्हाट डू यू वांट, लेट्स ऑर्डर इट। सो पाव भाजी मंगाएंगे पहले। ओके, व्हाट, विच पाव भाजी? पाव भाजी दिस, यस दिस पाव भाजी 120 एंड बटर के साथ या विदाउट बटर? वो बटर के साथ ही देते हैं। ओह, बटर के साथ ही देते हैं। तो ये है यहाँ का स्पेशल पाव भाजी, इसका फेवरेट है, अभी ट्राई करके देखते हैं ये पाव भाजी कैसा है। ये देखिए इतना हनहनी लग रहा है, फिर भी रिस्क है तो इश्क है। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। बेस्ट है ना पाव भाजी, दो पाव दिया है वो भी फुल बटर लगा के, यहाँ पे भी बटर है, ये हम लोग बटर में ये डिप करेंगे। लाजवाब, जैसे एक्सपेक्टेशन तो उससे भी बहुत बढ़िया है। कुछ शब्द ही नहीं बचे रे बोलने को, इतना अच्छा मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये आज तक एक ही पाव भाजी वाला इसमें पापड़ दिया था। इसका फेवरेट है। नहीं मालूम पड़े क्यों फेवरेट है। आज मालूम पड़े इसका इतना क्यों फेवरेट है। ये बहुत बार मुझे देखा, कभी आके देखा अमूल का पाव भाजी खाते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। तो आज हमने ट्राई किया, बहुत लाजवाब है एंड सच में थोड़ा डोंबिवली बेटर है मुंबई से, ये मानना पड़ेगा। डोंबिवली बेटर है। अभी आप मुंबई में आके देखो, मुंबई का स्ट्रीट फूड खा के देखो, आपने डोंबिवली का दिखाया तो आज अब क्या ही ट्राई। हाँ, क्या ही ट्राई करोगे, मतलब आपने सिर्फ आधा मुंबई देखा, पूरा मुंबई नहीं देखा। आप पूरा बता दो, पूरा हम बताएंगे जब आप फ्री हो तब आ जाना हमारे मुंबई में, ठीक है। आज मैंने गांव का टेस्ट कर लिया, आज जब वीडियो बनाएंगे तो शहर का टेस्ट कर लेना। ट्यून इन फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में यश हम गो सिटी एक्सप्लोर करेंगे, सिटी एक्सप्लोर करेंगे हम। डन डन। तो ये हम लोग खाते हैं ना, आपको एक और फिर लास्ट का स्वीट डिश वाला डिश ट्राई करके आपको बताते हैं कैसा है। तो लास्ट जो डेजर्ट डिश हम लोग जो ट्राई करने वाले हैं वो है आइसक्रीम। एंड एक्चुअली ये आइसक्रीम है ना इतना फेमस नहीं है इतना बाकी के स्ट्रीट फूड है, ये स्पेशली इसको मालूम है क्योंकि ये अंडर रेटेड चीज़ है ना, इसको बहुत अच्छी तरीके से मालूम रहते हैं डोंबिवली के। तो इसके लिए हम लोग ये आइसक्रीम खाएँगे एंड आपको बताएँगे कि वो आइसक्रीम कैसा है। एंड वो आइसक्रीम का नाम क्या है वो अंदर जाके पता चलेगा, वो सीक्रेट, बहुत सीक्रेट रखते हैं आजकल। हाँ, ब्लॉग तक एंड तक रुकना, एंड तक रुकना पड़ेगा यार, मुझे तो बता सकती है ना कि नहीं। चलो ट्राई करते हैं ना आपको बता। ये कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर है आपका? चोको चेरी। ये भी इसका फेवरेट है एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, फेमस नहीं सर, फेमस नहीं है, इतना अंडर रेटेड है पर बहुत टेस्टी है।
वो खाएंगे एंड ट्राई करेंगे। ये जगह फेमस क्यों नहीं पहला सब, और इधर लोग क्यों नहीं, क्योंकि इससे बढ़िया आइसक्रीम ना कभी देखा है। ये जो फ्लेवर है इधर भी किधर लगा है क्या? चलो ये भी बहुत बढ़िया है। A few moments later. चलो दोस्त बाय बाय। वापिस आएंगे कुछ टाइम कुछ और अच्छा दिखाना। मुंबई में बहुत कुछ है मैंने और बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। तब तक के लिए ठीक है, तुम मिली स्पेशल दिन थोड़ा दिन ये उसके बोल रहा हूँ। पार्ट टू के लिए कमेंट करो, पार्ट टू के लिए कमेंट करो एक और। अब तो मुंबई है, मुंबई में बताऊंगा क्या ठीक है। बताओ बताओ चलो बाय बाय थैंक यू।